तो वहीं कोटा में भी हालात जो है वो दिन पर दिन बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोटा के इटावा में बिगड़े हालात और कई गांव यहां पर टापू बने हुए हैं। चंबल नदी की बात करें, पार्वती की बात करें या फिर कालीसिंध नदियों की, इनका जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। आपको बता दें कि आवलमदा, इसके साथ ही केरपुरा, राजपुरा, रघुनाथपुरा, धनवा और गुड़ला गांव जो है यहां पर टापू बने हुए हैं। कालीसिंध नदी के नारायणपुरा, मोहम्मदपुरा गांव जो है वो भी यहां पर टापू बने हुए हैं। पार्वती नदी की अगर बात करें तो पार्वती नदी में खातौली, मदनपुरा, गोवर्धनपुरा, छत्रपुरा, फरेरा और इसके साथ ही मदनपुरा गांव जो है पूरी तरीके से पानी से भरे हुए हैं, जलमग्न हो चुके हैं। आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। सुखरी नदी में भी जल प्रवाह जो है वो इटावा, झालौर और पीपलदा के साथ करवाड़ गांव में यहां पर इनका पानी घुसा है और उसकी वजह से पूरी तरीके से जो गांव है और दरिया बने हुए नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से टापू बन गए हैं। नदियों में बढ़ते जलस्तर से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सभी गांवों की निगरानी यहां पर की जा रही है और जिन गांवों के नजदीक यहां पर पहुंच रहा है पानी, उनको खाली करवाने के लिए भी निर्देश दिए जा रहे हैं। और कल से तस्वीरें हम लोग आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु मित्तल लगातार वहां पर निगरानी बनाए हुए हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, कल से लगातार अब तस्वीरें दिखा रहे हैं लेकिन हालात जो है वो और चिंताजनक होते नजर आ रहे हैं, क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, चिंता बढ़ा देने वाली बात फिलहाल ये है कि चंबल नदी में लगातार पानी की जो आवक है वो बढ़ी हुई है। सबसे बड़ी बात ये कि मध्य प्रदेश में चाहे रतलाम इलाके की बात करें, मंदसौर इलाके की बात करें, इन तमाम इलाकों में बड़े पैमाने पर हैवी रेन हुआ है और जिसके बाद में चंबल नदी उफान पर है। चंबल नदी के सबसे बड़े बांध गांधी सागर बांध में करीब 9.5 लाख से 10 लाख क्यूसेक पानी की जो आवक है वो हो रही है और ऐसे में गांधी सागर बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर पानी की निकासी वहां से हो रही है और इसके बाद में चंबल के सभी बांध गांधी सागर के बाद जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज से हैवी वाटर डिस्चार्ज जो है वो किया जा रहा है। जब कोटा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है तो निचले इलाकों में जल भराव के हालात बने हैं। निचले इलाके की जो बस्तियां हैं उनमें पानी घुस चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि निचले इलाकों में जो गांव है चंबल नदी के तटों पर, उनमें बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो बनने लगे हैं। इटावा इलाके की फिलहाल हम ब्रेकिंग बता रहे थे कि तमाम जो वहां पर गांव है वो बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं, गांव टापू बने हुए हैं, दर्जनों गांव ऐसे हैं जो जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। कोटा से इटावा का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। किसी भी तरह की जो राहत है वो इसलिए नहीं पहुंच पा रही क्योंकि आवागमन के तमाम जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। इलाकों में राहत नहीं पहुंच पा रही है। कई गांवों में बड़े पैमाने पर लोगों को रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। मोहम्मदपुरा की बात की, वहां से भी करीब 100 से 150 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लगातार जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, कोटा ग्रामीण पुलिस की टीमें हैं, इलाकों में मूवमेंट कर रही हैं। जिन इलाकों से लोगों के फंसे होने की सूचनाएं मिल रही हैं वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन फिलहाल चिंता बढ़ा देने वाली खबर ये कि चंबल नदी में जिस तरह से वाटर का इनफ्लो बढ़ रहा है, उन सबके साथ में अगर पानी की निकासी और ज्यादा बढ़ाई जाती है तो फिर हालात चिंताजनक हो सकते हैं क्योंकि अभी भी बिल्कुल बिल्कुल खतरा यहाँ पर और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, पूरी तरीके से रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चलिए हिमांशु, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा इलाके में लगातार